समाजवादी पार्टी की सरकार के समय का केवल एक विकास दिखाई देता है, विकास है कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल का। कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के बाद उनका कोई विकास नहीं दिखाई देता, ना सड़क का, ना बिजली का, ना पानी का, ना हाईवे का, ना मेट्रो का, ना एयरपोर्ट का, कुछ भी तो नहीं। क्या मजबूरी आपको भैया दिखाने की? आप किसका प्रचार कर रहे हो? क्या मतलब सर? ये क्या दिखा रखा है? मतलब मंदिर और मस्जिद दिखाओगे आप? इस पर क्या लिखा है ये देखिए, क्या दिखा रखा है? ये चिल्ला नहीं सकते, ऐसा नहीं दिखा सकते, आप चिल्ला नहीं सकते, आप चैनल वाले, आप मुझ पे चिल्ला नहीं सकते, टिकैत साहब आप मुझ पे चिल्ला नहीं सकते। ये देखिए ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, क्या लिखा है? मंदिर और मस्जिद, अरे ये क्या लिखा है? चैनल वाले देश को बर्बाद करना चाहते हैं। नमस्कार आदाब, मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। जैसे जैसे 10 फरवरी नजदीक आ रही है, यानी कि पहले फेज की वोटिंग की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे आप ये देखिए कि जिन्ना, पाकिस्तान और दंगे, इन सब की एंट्री जो है वो हो गई है। जी हां, आज दंगों की एंट्री भी हो गई है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। अगर आप योगी आदित्यनाथ की ट्विटर लाइन जो है अगर आप जाके देखेंगे, टाइमलाइन अगर जाके देखेंगे, तो आपको ये यकीन ही नहीं होगा कि ये किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री की टाइमलाइन है। आपको यकीन ही नहीं होगा कि देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री ये तमाम बातें कह रहे हैं। जी हाँ, आप ये देख रहे हैं कि लगातार किस तरह से कोरोना प्रोटोकॉल की तो धज्जियां उड़ाई ही जा रही हैं, जिस तरह से अमित शाह डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और किस तरह से वो थूक लगाकर पर्चे बांटते हुए नजर आ रहे हैं, वो तो आपने सब देखा ही। लेकिन आज आप ये देखें कि किस तरह से दंगों की एंट्री जो है वो अब हो गई है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, और आप ये समझ सकते हैं इससे कि बीजेपी जो है वो कितनी नर्वस है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। इनका विकास का जो मॉडल था वो विनाश का था, नकारात्मक था, अराजकता पैदा करने वाला था, और यही कारण था कि विकास का सारा पैसा बटोर करके या तो अपने नेताओं के घर में भेजते थे या फिर माफियाओं के हवाले करते थे, और अगर कहीं थोड़ी बहुत कहीं लगता था कि करना है तो विकास का कहां का कराते थे मालूम है आपको? समाजवादी पार्टी की सरकार के समय का केवल एक विकास दिखाई देता है, विकास है कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल का। क्योंकि ये वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश है जिस पर 2014, 17 और 19 में धमाकेदार परफॉर्मेंस दिया था बीजेपी ने, और इन्हीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन्हीं शहरों से सबसे ज्यादा वोटों से जीती थी बीजेपी। अब ऐसे में इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को अपनी साख बचाना तक मुश्किल हो रहा है, और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी ने मोटा भाई को जिम्मेदारी दी है और मोटा भाई जो है अपने काम में लग गए हैं, प्रचार कर रहे हैं और उस तमाम तरीके से प्रचार कर रहे हैं जिसके लिए जानी जाती है बीजेपी। अब आप ये देखें एक एक करके, मैं आपको कई ट्वीट जो हैं वो पढ़ के आपको सुनाऊंगी और उसके साथ साथ मैं आपको कई वीडियोस भी दिखाऊंगी जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जब जब बीजेपी नर्वस होती है, जब जब बीजेपी को हार सामने दिख रही होती है क्योंकि उसने काम तो कुछ किया नहीं, तो वो किस तरह से जिन्ना, पाकिस्तान, दंगे, इन तमाम चीजों की बातें जो है वो करती है, हिंदू मुसलमान की बात करेगी, और किस तरह से ये दिखाया जाएगा कि मुसलमान दरअसल इस तरह से पेश किया जाएगा कि मुसलमान मानो इस मुल्क के बाशिंदे ही नहीं है, इस मुल्क के नागरिक ही नहीं है। अगर बीजेपी उनको टिकट नहीं देती है और अगर दूसरी पार्टी कोई उनको टिकट दे रही है तो उसको ऐसे दिखाया जा रहा है कि मानो जैसे देश के जो गद्दार हैं, देशद्रोही जो हैं, उनको टिकट दे दिया गया हो, उनमें टिकट जो है वो बांटा जा रहा हो, उनको कैंडिडेट जो है बनाया जा रहा हो, इस तरह से दिखाने की कोशिश लगातार जो है वो की जा रही है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी का पूरा आईटी सेल, पूरा अमला जो है वो लग चुका है, और इसके साथ साथ जाहिर सी बात है गोदी मीडिया उसका पूरे तरीके से, भरपूर तरीके से साथ देता हुआ नजर आ रहा है, उसको पूरा काम जो है वो दे दिया गया है।
है। अब आप ये देखें कि ये ट्वीट किया है योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश की पूर्व सरकार ने गाजियाबाद में हज हाउस बनाया था, भाजपा सरकार ने यहां 94 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण कराया, आस्था को सम्मान देता यह भवन श्रद्धालुओं के लिए बड़ी सौगात है, फर्क साफ है। तो ये बता दें माननीय योगी आदित्यनाथ कि हज हाउस जो बनाया गया था वो किस लिए बनाया गया था, और अब ये जो मानसरोवर कैलाश मानसरोवर भवन का जो निर्माण किया गया है ये किस लिए किया गया है, क्या मुसलमान इस मुल्क के शहरी नहीं है? जो 20% मुसलमान उत्तर प्रदेश में रहते हैं क्या वो इस मुल्क के बाशिंदे नहीं हैं? आप फर्क साफ करके आखिर क्या बताने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं? अभी देखिए, वो थे तो राम भक्तों पर गोलियां चली, शिव भक्त कावड़ियों की यात्राएं रद्द हुई, सैफई महोत्सव के कारनामे हुए, हम हैं तो श्री रामलीला विराजमान का स्वप्न स्वप्न जो है वो साकार हुआ, शिव भक्त कावड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुई, दीपोत्सव रंगोत्सव उत्तर प्रदेश की पहचान बने। तो अब जाहिर सी बात है नौकरियां तो दी नहीं, 2 करोड़ जो नौकरियों का वादा किया गया था हर साल वो नहीं दी गई, 80 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया था 2022 तक वो हवा हवाई है, जो विकास के जो वादे किए गए थे वो किस तरह से धराशाही हुए हैं, जो भ्रष्टाचार को लेकर महंगाई को लेकर जो तमाम वादे किए गए थे आप ये देखें कि कैसे वो धराशाही हुए हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि बात मंदिर की ही की जाएगी, बात यही आपको इसी तरह से बहकाया और भटकाया जाएगा, क्योंकि जो जायज आपके सवाल हैं उनसे हमेशा आपको इसी तरीके से जिन्ना पाकिस्तान और मंदिर मस्जिद की सियासत करके ही आपको भटकाया जाता है। अब आप ये देखें कि ये ट्वीट किया गया है बीजेपी उत्तर प्रदेश के हैंडल से, अब आप ये देखिए फर्क, आप ये देखिएगा वो फर्क साफ है बता रहे हैं, मैं भी आपको फर्क बताने जा रही हूं कि चाहे जयंत चौधरी हो या फिर अखिलेश यादव हो, वो लगातार किसानों की बात कर रहे हैं, वो लगातार भाईचारे की बात कर रहे हैं, वो लगातार उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो दरअसल आपके सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं। लेकिन आप ये देखिए वही उसी मुजफ्फरनगर में जयंत चौधरी भी थे, उसी मुजफ्फरनगर में अखिलेश यादव थे जहां वो भाईचारे की बात कर रहे थे, उसी मुजफ्फरनगर में अमित शाह भी थे। और देखिए अमित शाह ने क्या कहा है, मैं मुजफ्फरनगर से सहारनपुर तक के लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या आप सब दंगों को भूल गए हैं, अगर नहीं तो वोट देने में गलती मत करना, नहीं तो मुजफ्फरनगर फिर से जल उठेगा। तो आप ये देखिए कि इसमें एक तरह से धमकी देते हुए जो है वो यहां पर नजर आ रहे हैं देश के गृह मंत्री। मैं आपका जयंत चौधरी का जिक्र कर रही थी और जयंत चौधरी का ये ट्वीट आप ये देखिए, आगे बढ़ रहा है कारवां, किसान एकता का नारा, हमारी ताकत भाईचारा। तो आप फर्क साफ है, जिसकी बात बार बार की जा रही है वो फर्क साफ है आप यहां पर देख लीजिए। योगी आदित्यनाथ का एक और ट्वीट, कैराना में तमंचावादी पार्टी का प्रत्याशी धमकी दे रहा है, यानी गर्मी अभी शांत नहीं हुई है, 10 मार्च के बाद गर्मी शांत हो जाएगी। तो आप ये देखें किस तरह की भाषा का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ आगे कह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर दंगे के दोषी और राम भक्तों पर निर्ममता से गोली चलाने वाले क्या जनता जनार्दन से वोट मांगने के हकदार हैं? मुजफ्फरनगर दंगे में हिंदुओं को बंदूकों से भूना गया था, 60 से अधिक हिंदू मारे गए थे और 1500 से अधिक जेल में बंद किए गए थे, गांव के गांव खाली हो गए थे, सपा की यही पहचान है। भाइयों बहनों, पेशेवर अपराधी और माफिया चुनाव के दौरान धूंस दिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन 10 मार्च के बाद इनके गले में तख्ती लटकती हुई दिखाई देगी, ये लोग किसी थाने की चौखट पर बख्श दो की भीख मांगते हुए दिखाई देंगे। ये सब कुछ कहा जा रहा है एक प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से। आप ये देखिए कि कैसे एक पार्टी को वो दंगाइयों की पार्टी बता रहे हैं। अब आप ये देखिए कि जैसे वो कह रहे हैं कि हिंदू विस्थापित हुए वहां पर और किस तरह से हिंदुओं को मारा गया, तमाम बातें कह रहे हैं। 2013 में जो मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, अभी तक भी जो मुसलमान हैं वो अपने घरों को वापस नहीं लौटे हैं, अभी भी वो विस्थापित हैं, अभी भी वो एक तरह से शरणार्थियों की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। यकीन ना हो और जिन लोगों को इसको लेकर सवाल हो वो मुजफ्फरनगर जाकर अभी भी देख सकते हैं कि विस्थापित कौन हुआ है और किसके ऊपर जुल्म सबसे ज्यादा किया गया था।
अभी आप ये देखिए कि यहां पर पहले अमित शाह ने और अमित शाह ने एक तरह से अपने पार्टी के नेताओं के जरिए जयंत चौधरी को न्योता भिजवाया और कहा कि वो गलत घर में हैं, जयंत चौधरी अच्छे इंसान हैं, उनको एक तरह से संकेत ये दिए गए कि वो वापस अभी भी आ सकते हैं, अभी नहीं तो बाद में आ सकते हैं। ये तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं लगातार बीजेपी की तरफ से। बीजेपी लगातार जयंत चौधरी आरएलडी की तरफ जो है अपना हाथ लगातार बढ़ा रही है, लेकिन जयंत चौधरी ने बिल्कुल साफ कर दिया, उन्होंने कहा कि मैं चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर बुलाना ही है तो उन 700 जो किसानों के जो परिवार हैं जो इस पूरे आंदोलन के दौरान मार दिए गए, आप उनको बुलाइए। लेकिन एक बार फिर से यहां पर अमित शाह ने कहा है, अखिलेश यादव एंड जयंत चौधरी आर टुगेदर ओनली टिल काउंटिंग, इफ देयर यानी कि एसपी गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड देन आजम खान विल सिट इन देयर गवर्नमेंट एंड जयंत भाई विल बी आउट। Their candidates list can say what will happen after elections. ये कह रहे हैं मुजफ्फरनगर में अमित शाह, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव की अगर गवर्नमेंट आती है यानी कि समाजवादी पार्टी की अगर गवर्नमेंट बनती है तो आजम खान जो है वो वहां पर गवर्नमेंट बैठेंगे और जयंत चौधरी को जो है वो बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, उनकी कैंडिडेट्स की लिस्ट से देखा जा सकता है, यानी कि कैंडिडेट की जो लिस्ट है उसमें मुसलमान जो है शामिल हैं। और आप ये देखें कि अगर 2017 से 2022 के मुकाबले अगर देखा जाए तो कितने कम जो है वो टिकट्स मुसलमानों को दिए गए हैं इस बार, और कहीं ना कहीं खुद अखिलेश यादव और आरएलडी जो है वो फूक फूक कर कदम रख रही है। मुजफ्फरनगर में एक भी टिकट किसी मुस्लिम कैंडिडेट को नहीं दिया गया है इस गठबंधन की तरफ से, जहां आप ये देखें कि 40% के करीब जो है वो मुसलमानों की आबादी है वहां पर, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार प्रहार जो है वो किया जा रहा है, लगातार दंगों की जो है वो बात कही जा रही है। और आप ये देखें अखिलेश यादव लगातार आपसी भाईचारे और इस सबके जो है वो ट्वीट करते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट इसी तरह से किया, किसानों की जहां वो बात करें आपसी भाईचारे की बात जहां पर वो कर रहे हैं, हज हाउस को टारगेट किया जा रहा है, मुजफ्फरनगर दंगों की यहां पर बात करी जा रही है, आप ये देखें कि जिन्ना और पाकिस्तान की बात कही जा रही है, पाकिस्तान परस्त जो है बताया जा रहा है, जिन्ना परस्त जो है बताया जा रहा है, एक देश के एक राज्य की एक पार्टी को आप ये देखें किन नामों से पुकारा जा रहा है, और लगातार इसी तरह की सियासत अब आपको आगे देखने के लिए मिलेगी। जैसे जैसे हार सामने नजर आती है भारतीय जनता पार्टी को तो वो इसी तमाम अपने ढर्रे पर उतरती हुई नजर आती है, और खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसकी हालत कितनी खराब है इसका अंदाजा लगातार जो है वो लग रहा है। और आप ये देखें कि जिनके बलबूते या जिनके के बनाए हुए रास्ते पर चलकर एक तरह से सियासी सफर तय किया था बीजेपी ने, आज वही लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। यही वजह है कि गांव-गांव जहां जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर पर जो जाट बहुल जो इलाके हैं वहां पर जहां जहां जा रहे हैं बीजेपी के नेता वहां उन्हें बैरंग लौटना पड़ रहा है, लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और आप ये देखें कि जहां चौपालों में अलग अलग जगहों पर बीजेपी के नेता जा रहे हैं वहां पर उनको सख्त सवालों का सामना जो है वो करना पड़ा है, लगातार सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं। और ये भी पूछा जा रहा है, नरेश टिकैत ने पूछा था कि अमित शाह तब भी देश के गृह मंत्री थे जब किसान सड़कों पर बैठे हुए थे और ये वही जाट थे जिनको आतंकवादी खालिस्तानी पाकिस्तानी बताया जा रहा था, और आज उन्हीं जाटों के लिए कहा जा रहा है। अमित शाह ये कह रहे हैं कि वो उनके ऋणी हैं, अगर उनसे कोई गलती हो गई है तो डांट लें वो उन्हें। ये कहा जा रहा है कि अगर राज्य सरकार से कोई गलती हो गई है तो केंद्र सरकार यहां पर मौजूद है। ये कहा जा रहा है कि 650 साल पुराना नाता है जाटों का और भारतीय जनता पार्टी का, वो भी मुगलों से लड़े थे, हम भी मुगलों से जो है वो लड़ रहे हैं। तो इस सब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे आने वाला इलेक्शन जो है वो इसी पूरी पिच पर ही आगे देखने के लिए आपको मिलेगा, और लगातार जो है इसी तरह के बयान आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, आदाब।